श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ऐसे तीन उपाय जिनको अगर आप शिव मंदिर में जाकर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, ना ही एक कलश जल, ना एक अक्षत, ना ही एक बेलपत्र। मतलब इन तीन मनोकामना पूर्ति उपायों को आप बिना कुछ लिए भी कर सकते हैं। तीनों उपाय कैसे करना है गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी के बताए हैं। सभी उपायों को हम वीडियो में करके भी दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। यह एक काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है, क्योंकि शिवलिंग में कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर स्पर्श मात्र कर देने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा ही एक स्थान होता है जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है। हमने स्पर्श किया है, स्पर्श करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है या फिर ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, और इसके बाद अपनी मनोकामना, अपना उद्देश्य भोलेनाथ से बोल सकते हैं। इसके बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। बस इतना ही करना है। यह गुरुजी का बताया काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय है नंदी भगवान का उग्रभार से शिव के दर्शन। मतलब नंदी भगवान की पीठ में जो उठा हुआ भाग होता है उससे आपको शंकर भगवान के दर्शन करना है। नंदी भगवान के दोनों सींगों के बीच से शंकर भगवान का दर्शन करते हुए आप अपनी मनोकामना शंकर भगवान से बोल देंगे। आपकी उस मनोकामना में नंदी भगवान का भी बल विद्यमान हो जाता है और भोलेनाथ आपकी मनोकामना सुनते ही हैं। करते हैं तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। शंकर मंदिर में जाकर भोलेनाथ के द्वार में आपको बैठना है। भगवान का दर्शन कर लिए हैं आपने तो लौटने से पहले आपको एक बार द्वार में बैठना है। बैठिए, भोलेनाथ का मंत्र स्मरण कीजिए, जाप कीजिए और इसके बाद एक बार भोलेनाथ को फिर से देख लीजिए। जब आप भोलेनाथ को पलट के फिर से देखेंगे और आप अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोलेंगे तो वह मनोकामना भी भोलेनाथ जरूर सुनते हैं। गुरु जी के बताए गए ये तीनों काफ़ी अच्छे और विशेष उपाय हैं। आशा करता हूँ वीडियो उपयोगी लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।